ठाकुर आहे भवर ठाकुर तुमे एका भक्तर भवर ठाकुर तुमे जगत ठाकुर भवर ठाकुर तुमे भवर ठाकुर। नमस्कार मीनाक्षी मिश्र आज भावर ठाकुर आम पुणी आसचु तो भक्त जगन्नाथ दास कहानी को नहीं भक्त जगन्नाथ दास पुरीर कपिलेश्वर ग्राम से जन्मग्रहण करते सी प्रथम थर पर ओडिया भागवत रचना करते आज मो पे उपस्थित अच्छा जगन्नाथ गवेषक श्रीजुक्त दयानी त्रिपाठी आसतु तालोले भक्त जगन्नाथ दास शुणा आमर गाथा। जय जगन्नाथ। आज जानवा जगन्नाथ दास विषय जेउठी जगन्नाथ सेठी जगन्नाथ दास पुरी श्रीक्षेत्र निकटवर्ती कपिलेश्वरपुर ग्राम से जन्मग्रहण कर जगन्नाथ दास एवं ओडिशार घरे घरे परिचित जगन्नाथ दास पंच सखा भितर अन्यतम सखा जगन्नाथ दास विषय जानिबा एवं जो भागवतर प्रत्येक पद ओडियार प्रत्येक कंठरे निनादित हुए से भागवत विषय किभली रचना हला से गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करिबा किभली अमूल्य ग्रंथ रचना हला ता पछर कहानी आज जानिबा। मु जेमिति कहिछि श्रीक्षेत्र रे से निवासी थिले एवं श्रीक्षेत्र ठारु अल्प दूर से ब्रह्मगिरी जीवा बाटरे कपिलेश्वरपुर ग्राम से जन्मग्रहण होता एक कुड़ीन ब्राह्मण परिवार रे एवं तांकर बापा भी थिले प्रचंड पंडित पुराण पंडा हिसाब से ख्याति थिला से पुराण पाठ करुथिले किंतु बापांकर देहांत परे कौन हला ना माँ सबुदिन आसुथिले श्रीमंदिर को पुराण शुणा पाई संस्कृत भागवत सेतेबले ओडिया भागवत नथिला किंतु गोटे दिन कौन हला जी पुराण पंडा पढ़ुले सी तक माँ को मना कले कले तुम्हें मो पुराण शुणुच मत कि दक्षिणा देना तुमको मुझे पुराण शुणे भी ना अपमानित तो जोबले माँ घर को जाओ को कही धिक् तो जीवन तू ब्राह्मण कूण से जन्म होचु एड़े बड़ पंडित पुओ होचु किंतु तू मत टे पुराण शुणे पारुनि से कहले मु तो संस्कृत रे बापा भली एत धूरीण नुहे मुमको संस्कृत रे पढ़ी बुझे पारि ना कहले ताहले तू ओडिया रे लेखे चिंतार पड़गले जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास चिंतार पड़ी केमिति ओडिया रे लेखिबे प्राकृत भाषा रे केमिति लेखिबे एही कथा चिंता करुछंती। मूळरु त मु कहिछि ब्राह्मण कुलीन परिवार रे से जन्मग्रहण करिथिले एवं अत्यंत नैष्टिक थिले सबुदिन जगन्नाथक सेवा रे से निजक नियोजित करिके रखिथिले से कौन करुथिले ना पुरुषोत्तमक पाखरे जाइकिरी प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाइकिरी जगन्नाथक दर्शन करुथिले से पुण्य क्षेत्र रे निवास नामता जगन्नाथ दास धार्मिक बुद्धि दयामय स्वभाव सदानंदमय सकल शास्त्र रे सुज्ञाता जानई पाप पुण्य कथा। ए कथा दाढ़ता भक्ति लिखाई सकल शास्त्र पाखे थिला तथापि से डरी जाइले माँ को आदेश शुणी से डरी जाइले चिंतार पड़ जाइले भय कर कहले केमिति लेखी एड़े बड़ संस्कृत रे जो भागवत लेखाही से भागवत को मुमि ओडिया लेखी तेणु मने मने से चिंता कले क्या ना भावग्राही की चिंता कले भावग्राही की चिंता करके डाकिले कले प्रभु माँ को आदेश ताकू अमान्य करी ना तुम्हें मत बल दि तुम्हें मत बुद्धि दि प्रभु कौन सतरे भक्तर मन कथा बुझे नी भक्तर मन कथा बुझी प्रभु प्रभु कौन कले ना शयन समय रे दासे मन निवेशी प्रभु पासे बोइले कृपा मते कर देखाओ महिमा तुमर मो जीव उद्धार निमंते कि आज्ञा हेउ प्रभु मते सुदया नहिले तुम्भर केमंत हेबी भवुपार
ଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଯେତେବେଳେ କଲେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯଦି ସୁଦୟା ନ ହେବ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଭଳି ଲେଖିବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଓଙ୍କାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଭାଗବତ, ଏଥିରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ କରିଦେଲେ। ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ କରିକିରି ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ନରନାରାୟଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ମହାମୁନି ନାରଦଙ୍କୁ କିଏ ଦଶଟି ଶ୍ଳୋକରେ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଓଙ୍କାର ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ, ତାପରେ ଦଶଟି ଶ୍ଳୋକ। ଏଇ ଦଶଟି ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସବୁ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ୟାସ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଳୋକ କରିଦେଲେ। 18,000 ଶ୍ଳୋକ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 18,000 ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିବା କଠିନ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି, ଏପଟେ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ, ସେପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଉଭା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ମନର କଥା, କହିଲେ ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ ମୁଖରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁକମୁନି ପରିକିତଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଶୁଣେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମହାପାତକ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗତକୁ ନ ଶୁଣେଇବା ତାହେଲେ ଏଠି ମହାପାତକୀମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ, ତା କ'ଣ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କିଛି ଗୀତ ଯେ କର ମୁହିଁ ଅଛି, ଯାହା ତୁ ପତ୍ର ଘେନି ଲେଖ ଆ କହି ଚଳିଲେ ପଦ୍ମମୁଖ। କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ମହାଭାରତ, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ନେଇକି ଯାଇକି ପତ୍ର ଧରିକି ଲେଖି ବସ, ତୁ ଯାହା ଲେଖିବୁ ମୁଁ ତତେ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କହିଦେବି। ୟାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଶି ଏ ଚିତ୍ତ ନିବେଶି ପ୍ରଭୁ ପାସେ, ଲେଖିଲେ ମନର ହରସେ, ଲେଖି ବସିଲେ ବସିକିରି, ଲେଖିଲେ ମନର ହରସେ ଏମନ୍ତେ ଅସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଯେ ଅଟେ କଣ୍ଠିନୁ କଠନ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ କଲେ ଗୀତ ସେ ପୁଣ୍ୟମୟ ଭାଗବତ। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ସୁଲଳିତ ଭାବରେ ସେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତ ରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା, କେବଳ ଲେଖୁନଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏ ଭାଗବତକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ଲେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ସୁଲଳିତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ଲେଖା, ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ୟାତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଭକ୍ତ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ।
आसिकी श्रोता बढ़ी चलले धीरे 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 राजांक कान को एक कथा गला राजांक कान को केवल गला ना कि खड़ लोकों कान में भी एक कथा पड़ा जो मैंने आगुरी पुराण पंडा साजिश संस्कृत पुराण को जाहिताई कर लोक बुझे पैसा आदाय करते से देखला अरे ये तो भल भाव गाइला ये तो ये सुंदर भाव लिखला आम बेउसा बंद हो तेणु से मैंने कौन कले सी जाकि रजा आगे कौन कहले ना मूषिक जेहे दिव्य रस दाते काटिण करे रास किंचिते न करे आहार नासीवा कथा मूल तार से भली से ही प्रकारे मुढ़न दोष दियंती साधु ठारे एणुटी न पारे सही से राजा आगे गले कही से कौन कले जे राजा आगे कौन कहले कौन कहे राजा तो कहे एमती लिखिदेला आम बेउसा पड़गला कहले हमने लगे जुटे किसी अन्य कथा कहले जमी राजा रागे दंड देवे तेणु से राजा आगे कौन कहले जेणे देख नारी वृंद के कहू ताहार आनंद तही बसीण करे गीत हलाई मुंड तार हस्त अर्थ करई नाना मते स्त्री को महिवा निमंते ताहा सुनती जेते नारी के पारो ताहा ठारू बुरी जो नारी मैंने एक सुनती से मैंने कहले रजा आगे जे केवल नारी मानक मेले बसिकी से भागवत गान करुच्छी राधाकृष्ण प्रेम लीला जे भाई गान करती से भाई भाव से बुझौती जे नारी मैंने आकृष्ट होकरे जाँचती ये गोटे नारी मानक आकृष्ट करने लिखुची नृपति तो कथार अच्छे रजा गोजा रजा मैंने बहुत भल तथापि रजा मैंने किसी विचार कर पारती हठात तेणु नृपति कौन कले ना शुणी नृपति कोप भरे बोला जाओ धाती करे दास को बेगे घेनी आस बुझु यार संदेश कहले जा 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 दास को नहीं आस सी कौन बसिकी खाली नारी को मेले कौन गाऊ धरिकी आस या शुणी कौन कले ना राजा जो माने थिले सैन्य सामंत थिले से माने दौड़ी जाकरी जगन्नाथ दास को कहले तुमको रजा डाकुचंती जगन्नाथ दास जाणीगले कले आरे ये असाधु मानकर दुष्ट मानकर काम ये दुष्ट माने मते बदनाम करने रजा हाथ में आगे बोधे एणु तेणु किसी कहीदेव तथापि डरले ना रजा पाखे पहुँचले जाकि हाथ जोड़ी रजा को कहले बोले शुण दंडधारी खच वचन शुणिकी साधु को कषण देवार ये धर्म नुह तुम्भर स्त्री पुरुष बाल वृद्धा जे अबा शुणिकी सदा बसबु तार पासे जाई ए संशय किसी ना कहले प्रभु हे राजा तुम्हें देशर राजा तुम्हें आमर पालक मु गोटे कथा कहूँ आपण खच मिछ शुणिकी मत दंड दिंतु ना मुवल स्त्री पाखे बुझ पशुना जी आपको श्रद्धारे शुणुची मुस्तक पाखे एक कहूँ ये कथा शुणिकी राजा कहले अच्छा तुम्हें समस्त पाखे कह कि तो जानवाक पाइली तुम्हें केवल स्त्री मानक बेस कह तुम्हें स्त्री मानक बेस आकृष्ट करने को चेष्टा करुच ये रे पड़गले जगन्नाथ दास हठात प्रभु को स्मरण कर कहले कहले हे राजन गोटे बड़ कथा मुझे मुझे पुरुष मानक पाखे बसे से पुरुष होकर बसे जोबले स्त्री मानक पाखे बसे पुरुष हो न थाए मु स्त्री हो जाए यूठी रखा आज कथा आगामी अवस्था जानवा जे जगन्नाथ दास सतरे स्त्री होते ना स्त्री मेले बस को भल पाते ना जो बदनाम था सत ना मिछ जय जगन्नाथ। लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को दबा।